ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं। ये है Realme Narzo 70 Turbo एंड इसी का एक और अपोजिट में है जो कि IQ Z9S करके है। एंड जैसे कि ये वाला कमेंट देख रहे हो एंड इनसे इस तरह से कमेंट जो है ना बहुत सारे मैंने देखा कि भाई हम जो है ना IQ का जो Z9S ले या फिर Realme Narzo 70 Turbo ले, तो इस डाउट का क्लियर कर देना चाहता हूं। एंड बहुत सारे कमेंट्स होने की वजह से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो यहां पे आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो ऐसे आप लोग कमेंट करते रहो, आपके लिए स्पेशल वीडियो ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो आप देखो, इसमें सबसे बड़ा अलग अलग चीज का कंपेयर करके मैं आपको बताना चाहूंगा एंड किसके लिए कौन सा फोन है, क्योंकि दोनों का प्राइसिंग अगर आप देखोगे ना 3,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। एंड करंटली अभी देखो तो प्राइस यहाँ पे अगर IQ का 19,000 यानी 20,000 है, 1,000 रुपीज का कार्ड डिस्काउंट होने के बाद में आपको 19,000 रुपीज पड़ जाएगा, जो कि 8GB 128GB वाला वेरिएंट है। मेरे पास बाय द वे ये 6GB वाला वेरिएंट है जो कि Realme Narzo, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो इसका प्राइसिंग निकाला जो 8GB वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो 8GB 128GB ये 18,000 का है एंड 2,000 रुपए का आपको कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये आपको जाकर के 16,000 मिलेगा। तो 16,000 वर्सेस 19,000, 3,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और उस प्राइस डिफरेंस में अगर आप जाते हो तो भाई कौन सा बेस्ट रहेगा? देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको सिर्फ गेमिंग करना है, ठीक है, आपको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, एक अच्छा सा फोन हो, डिजाइन वगैरह अच्छा हो, क्वालिटी वगैरह अच्छा हो, बाकी टास्क वगैरह आप आराम से मल्टीमीडिया वगैरह कर सको एंड एक बजट के अंदर में, मतलब 15,000 से आप 16,000 से भाई ऊपर नहीं जा सकते हो, तो मैं डेफिनेटली सिर्फ गेमिंग के लिए रेकमेंड करूंगा जो कि Realme Narzo 70 Turbo। इसका आप जाकर के 6GB वाला वेरिएंट ले सकते हो जो कि 15,000 रुपए में मिल जाएगा। हाँ, 8GB वाला अगर आप जाते हो तो भाई 1,000 रुपए एक्चुअली आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो इसके हिसाब से। एंड अगर आपको कोई कैमरा वगैरह चाहिए देन आपको IQ के तरफ जाना चाहिए, बट हाँ अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं जो इसका प्रोसेसर है, ओके। दोनों के अंदर में आपको MediaTek का Dimensity 7300 ही प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट Realme Narzo का अंदर में जाकर आपको एनर्जी एडिशन मिलता है, हल्का सा ट्वीक है यहाँ पे, थोड़ा सा यू नो फंक्शनैलिटी को ट्वीक करा गया, थोड़ा सा मुझे जो ना नॉर्मल जो 7300 है उससे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। मान लो कि 19-20 का फर्क है। जो आपको IQ Z9S आता है वो उसके अंदर में Dimensity 7300 नॉर्मल वाला प्रोसेसर है। अब दोनों ही सेम 5G प्रोसेसर है, नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस वगैरह में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों का ही Antutu स्कोर टच करोगे तो भाई आपको अराउंड 7 लाख के आसपास में आ जाएगा। बाय द वे 6GB पे आपको इसका मैंने टेस्ट करके रखा है, ये 6.5 लाख आता है, तो 8GB वाला आराम से 7 लाख तक आ जाएगा, 12GB वाला जाकर के 7.5 लाख तक टच कर सकता है, जैसा बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है। तो अब IQ Z9S में जाकर के आपको 8GB 128GB मिलता है, तो वहां पे आपको आराम से 7 लाख का Antutu स्कोर देखने को मिल जाएगा। और उसके हिसाब से दोनों का प्रोसेसर सेम है एंड आपको जो भी फंक्शनैलिटीज है, जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी मल्टीमीडिया टास्क आप करोगे और जो गेमिंग करोगे, दोनों में सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही BGMI 90fps को सपोर्ट करता है, कॉल ऑफ ड्यूटी में 90fps वगैरह खेल सकते हो, तो भाई गेमिंग के लिए दोनों ही मक्खन की तरह चला देता है। बट जो 3,000 का जो प्राइस डिफरेंस है ना, वो मैं बताता हूँ क्यों आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आपको मेन चीज जो है ना, आपको परफॉर्मेंस वगैरह का आपको मैटर करता है, तो भाई आप डेफिनेटली भाई दोनों में से कोई भी फोन चूज करते हो तो जिसका बजट कम है। और IQ Z9 का मैंने देखा थर्मल मैनेजमेंट अगर आप Realme से कंपेयर करते हो तो भाई इसका ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें 6000+ का mm का आपको वेपर कूलिंग चेंबर दिया है। और इसको मैंने बहुत सारे गेम्स में मैंने टेस्ट करा, लंबे लंबे टाइम पे मैंने टेस्ट करा, तो भाई इसका थर्मल अच्छा है, जल्दी ज्यादा हीट नहीं होता है, अराउंड 45-46 डिग्री पे जाने के बाद में ऊपर नहीं जाने देता, जो कि बेटर है। अब IQ Z9 का जहां तक मैंने दूसरे लोगों का रिव्यू वीडियोस वगैरह देखा, वहां भी अच्छी तरीके से थर्मल मैनेज कर लेता, बट कहीं ना कहीं वो जो है ना हल्का सा वार्म थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर मेरे पास डिवाइस रहता तो मैं साइड बाय साइड टेस्ट करके बता सकता हूं, बट हाँ जो स्पेक्स वगैरह है उसके हिसाब से यहाँ पे Realme का जो है ना थर्मल्स वगैरह जो है ना ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, बट वो आपको काम आएगा भाई लंबे गेम प्ले के। मान लो कि आप 4-5 घंटा गेम प्ले करते हो तभी आपको वो डिफरेंस आपको नजर आएगा, वरना नॉर्मल कैजुअल गेमिंग वगैरह करते हो तो भाई वहां पे डिफरेंस नजर नहीं आएगा। कोई भी मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो, अलग अलग एप्स वगैरह यूज करते हो तो भाई वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, एडिटिंग एप्स वगैरह यूज करते हो तो भी वहां पे दिक्कत नहीं आएगा। बट एंड तक मैं आपको बताऊंगा किन लोगों के लिए कौन सा फोन लेना चाहिए, तो उसके लिए जरूर वेट करना। एंड डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पे देखो मेजर डिफरेंस आ जाता है। जैसे Realme का ये एक फ्लैट डिस्प्ले वाला है, जो IQ Z9S आता है वहां पे कर्व डिस्प्ले आता है। अब दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा, वो जाकर के चेकआउट कर सकते हो एंड आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। बट दोनों में आपको 120 हर्ट्ज़ का
का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। दोनों ही एमोलेड डिस्प्ले है, पिच डार्क ब्लैक देखने को मिलेगा, क्वालिटी आपको अच्छा रहेगा, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है काफी बेटर होगा। दोनों ही 4K HDR वीडियो को प्लेबैक कर सकता है, तो यूट्यूब में आप हो जाए भगा अलग अलग एप्स वगैरह में जो है आप 4K वीडियोस वगैरह देख सकते हो। तो भाई मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में दोनों का सेम रहेगा, बट हाँ कर्व डिस्प्ले एंड फ्लैट डिस्प्ले वो अंतर आपको लेना। ज्यादातर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फ्लैट डिस्प्ले की तरफ जाओ, क्योंकि इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है, जिसकी वजह से आपका प्राइसिंग कम होता है। साथ में अगर डिस्प्ले में कुछ डैमेज हो जाता है इजिली आपको रिप्लेसेबल है और कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। बट वही जो कर्व डिस्प्ले होता है वहां पे जो डिस्प्ले का कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ जाता है, रिप्लेस करने में सर्विस कॉस्ट भी आपको ज्यादा बनता है। साथ में ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन के मामले में बेटर है फ्लैट डिस्प्ले। कर्व डिस्प्ले में जल्दी से हल्का सा कोई भी डायरेक्शन में गिरे तो भाई वो डिस्प्ले के ऊपर जाता है, 80% चांस रहता है भाई डिस्प्ले ही टच हो, क्योंकि साइड बाय साइड कवर है तो वो एक है, तो आपको कवर वगैरह अच्छा खासा लगा के रखना पड़ेगा। तो वो देखो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, मैंने मेजर डिफरेंस बता दिया, बाकी डिटेल में जाना भाई वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया, वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। दोनों का वेट डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, दोनों ही फोन आपको यू नो नॉर्मल 180 ग्राम्स के आसपास ही देखने को मिलेगा, यानी ओवरऑल यूज करने में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों ही गेमिंग के लिए रेकमेंडेड, दोनों ही 90 FPS का गेम करता है। बट यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आपको आ जाता है ये है बैटरी का। यहाँ पे Realme के अंदर में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलता है, जो कि 45 वॉट सुपर वॉट साथ चार्जिंग के साथ में आता है। IQ Z9S में जाकर के आपको अगेन 44 वॉट का सुपर फास्ट चार्जिंग आता है, एंड वहां पे 5500 mAh की बैटरी है, 5000 एक्स्ट्रा बैटरी दे के रखा है। बट रियल लाइफ में देखो उतना ज्यादा मेजर 500 mAh से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, हार्डली आधे घंटे का बैटरी लाइफ ज्यादा दे देगा। बट अगर आप इंटेंसली गेमिंग वगैरह करते हो, बहुत सारा टास्क करते हो, भाई उतना मेजर डिफरेंस नहीं आता। बट हाँ आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कॉल्स वगैरह लेते हो, व्हाट्सअप वगैरह, इंस्टाग्राम, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम और अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो, तब जाकर के आपको मल्टीमीडिया वॉचिंग में जो टाइम आता है ना वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहां पे तो 500 का जो mAh है ना थोड़ा सा बैटरी लाइफ आपको थोड़ा सा बेटर देगा, 3000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो तो भाई ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर मिलता है। एंड इसके बाद में जो मेजर डिफरेंस है, अगर इसके अंदर Realme के अंदर देखोगे Narzo के अंदर में, तो इसके अंदर जो कैमरा सेंसर यूज करके देखा है, जहां तक मैंने टेस्ट करा भाई, यहाँ पे जो ना आपको मेजरली आपको OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। ऑफकोर्स 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है एंड फुल HD पे आपको 60 FPS पे आपको जाकर के EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। बट हाँ EIS हमेशा OIS को बीट नहीं कर सकता, EIS आपको जो ना वीडियो को क्रॉप करके देता है, तो इससे जो ना आपका जो वीविंग एंगल है वो आपको इफेक्ट होता है। तो अगर आपको ज्यादा कैमरा यूसेज करना है, अगर आपको ब्लॉग वगैरह इस तरह से शूट करना है, तब मैं रेकमेंड करूंगा IQ Z9S के तरफ जाना, क्योंकि यहाँ पे सोनी का IMX882 का सेंसर सपोर्ट देके रखा है, जो कि OIS को सपोर्ट करता है। तो ऑफ कोर्स आपको जो ना कैमरा स्टेबिलिटी अच्छा मिलेगा, फोटो के मामले में दोनों का सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बट वीडियोग्राफी में आपको थोड़ा सा मेजर जंप आपको जो ना IQ Z9S में देखने को मिलेगा, क्योंकि OIS का सपोर्ट है तो उतना ज्यादा वीडियो आपका क्रॉप नहीं होगा। साथ में अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट में चलते फिरते बाइक में वीडियोस अगर बनाते हो तो आपको जो ना स्टेबल फुटेज देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर आप मूविंग टाइम में अगर आप फोटोज भी खींचते हो तो भाई IQ Z9 का आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसमें EIS सपोर्ट होने की वजह से आपको जो ना बहुत ही ज्यादा स्टिल होकर के रुक करके आपको फोटो या वीडियो लेना पड़ेगा, बट वहां पे आप मूविंग टाइम पे भी चलते फिरते भी ले सकते हो। और सोनी का IMX882 कैमरा सेंसर जो है ना काफी अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है। एक टाइम में ये फ्लैगशिप फोन पे आता था 30-40 हज़ार रुपए के ऊपर में, अब बजट सेगमेंट में आ रहा है एंड ओवरऑल इसकी क्वालिटी जो है ना काफी अच्छा है। अगर सोनी का सेंसर में देखोगे तो IMX800 सीरीज जो है ना काफी बेटर परफॉर्मेंस करता है। तो अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो, मान लो कि अगर आपने सिर्फ मल्टीमीडिया वगैरह इस्तेमाल करना है, ज्यादा कुछ उतना तामझाम नहीं करना है, तो एंड थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह करना है, तो भाई आप आराम से IQ Z9S की तरफ जा सकते हो। आपका बजट कम है एंड सिर्फ गेमिंग ही करना है, 90 FPS वाला एकदम स्मूथ गेमिंग करना है, एंड आपका बजट जाकर के अराउंड 16,000-17,000 तक जा सकते हो, देन अगेन मैं इसको प्रिफर करूंगा। बट अगर आपका प्रेफरेंस है कि आप कैमरा वगैरह भी यूज करो, वीडियोस वगैरह भी शूट करना चाहते हो, एडिटिंग भी करना चाहते हो, शायद हो सकता है कि आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, आप वीडियोस को रिकॉर्ड करना चाहते हो, या फिर यू नो मल्टीमीडिया टास्क वगैरह ज्यादा करना चाहते हो, BGMI गेम का स्ट्रीम वगैरह करना चाहते हो, देन मैं रेकमेंड करूंगा IQ Z9S की तरफ जाओ। और आपके लिए अगेन कैमरा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है गेमिंग के अलावा, तो भाई आप डेफिनेटली IQ Z9S की तरफ जाना, क्योंकि कैमरा क्वालिटी आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। 3000 रुपए के डिफरेंस में आप जो ना वो ज्यादा यू नो चॉइस मिलेगा आपको, बेटर मैं रेकमेंड कर पाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका प्रेफरेंस कैमरा है
एंड आपका प्रेफरेंस है ज्यादा मल्टीमीडिया टास्क वगैरह करने के लिए तो भाई आप आईको Z9 की तरफ जा सकते हो। बट हाँ, आपका बजट सेगमेंट है, प्राइस आप उतना नहीं बढ़ा सकते हो, कम प्राइस में चाहिए तो भाई 6GB वाला वेरिएंट है, 8GB वाला वेरिएंट है। 8GB वेरिएंट से अगर आप कंपेयर करते हो 3000 का जंप है। कैमरा आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, उतना प्रेफरेंस नहीं है, कभी काल आप फोटो वीडियोस वगैरह खींच सकते हो, देन गो फॉर रियलमी। अब करते हैं दोनों का डिस्प्ले का ब्राइटनेस, तो ये पॉइंट मैंने मिस आउट कर दिया। तो भाई देखो, दोनों का ही पीक ब्राइटनेस वगैरह सेम है, आपको आईकू में 1800 का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है एंड रियलमी के अंदर में 2000 पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। नॉर्मल HBM जाकर के इसका 600 nits है एंड उसका भी अराउंड 600 nits है। तो भाई दोनों का हल्का सा जो 200 का जो पीक ब्राइटनेस है तो उसके ऊपर कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अगर आप साइड बाय साइड रख करके देखोगे तभी आपको ब्राइटनेस में हल्का सा फील मिलेगा, वो भी जाकर के जब आप धूप वगैरह में करोगे। बट हाँ, रियल लाइफ में अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो कुछ दिन के बाद में उस फोन के, तब पर भी आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। और भाई ब्राइटनेस के मामले में अगर आप सोच रहे थे भाई ब्राइटनेस कौन सा स्क्रीन बेटर रहेगा, तो भाई दोनों का ही सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो आई होप गाइस इससे जो ना आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा एंड जितना भी इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा। बाय द वे, इसका कैमरा सैंपल है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं इंडोर लाइटिंग कंडीशन में किस तरह से आता है। और हाँ, अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो, आप चाहते हो कि भाई आपका बजट कम है बट हमें ये रियलमी की तरफ से जाना है एंड अगर आपको वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड करना है, तो मैं आपको वीडियो में जब एडिट करोगे तो किस तरह से परफॉर्मेंस आएगा कलर ग्रेडिंग के बाद में वो भी बता दूंगा। जो भी सैंपल आप देखोगे यहाँ पे, हाफ सैंपल आपको रॉ रहेगा और हाफ सैंपल आपको एडिटेड रहेगा, तो आपको एक मार्क मैं वहां पे दिखा दूंगा, तो इससे आप जो ना एक जज कर पाओगे। दिस इज द वीडियो सैंपल ऑफ Realme Narzo 70 Turbo एंड देख सकते हो किस टाइप की क्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है। इंडोर लाइट कंडीशन में है एंड हल्का सा बारिश पड़ रहा है, तो आउटडोर लाइट कंडीशन नहीं है, तो जो भी है हल्का सा, बट हाँ धूप आ रहा है विंडो की तरफ से, तो आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा नेचुरल लाइट है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल लाइट का कमाल दिखा रहा है और ये 108p फुल HD 60fps पे मैं शूट कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है क्वालिटी मुझे कमेंट। और अभी ये जो शूट हो रहा है ये दोस्तों 4K 30fps पे शूट हो रहा है। 108p पे आपको स्टेबलाइजेशन है बट EIS है, OIS इसमें नहीं देखने को मिलता। बट 4K क्वालिटी आपको किस टाइप का देखने को मिल रहा है तो आप लोग जज करके बताओ भाई कैसा, कौन सा बेटर है, 4K वाला बेटर है जैसे ये वाला फुटेज या फिर इसके पहले जो आपने देखा फुल HD वाला। बट यहाँ पे 30fps है, वहां पे 60fps है और आपको फुल HD में EIS का सपोर्ट मिलता है, 4K में कोई भी EIS का सपोर्ट नहीं है। भाई 4K में अगर शूट करो तो भाई आप मूविंग ऑब्जेक्ट में जब शूट करो तो दिक्कत आएगा, बाकी आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में इस टाइप की। बाकी iQOO Z9S मेरे पास फोन नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसको इन डिटेल टेस्ट नहीं कर पाता, जितने भी स्पेक्स थे बट जितने भी रिव्यू वीडियोस मैंने चेकआउट करा और मेरा जो नॉलेज है एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने कंपैरिजन करके दिया। बाकी अगर आपको चाहते हो तो भाई उस फोन को भी मंगा करके हम लोग जेन्युइन रिव्यू आपको टेस्ट करके साइड बाय साइड करके भाई आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली वो वीडियो आ जाएगा। भाई गाइस आपको क्या लगा, अगर कोई भी डिफरेंसेस मैंने मिस आउट कर दिया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी iQOO Z9S या यूज कर रहे थे अपना ओपिनियन भी बता देना। बाकी दोनों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस UI एक्सपीरियंस अलग अलग है तो भाई आपको देख सकते हो उसके हिसाब से बाकी चीजें वगैरह जो ना ओवरऑल जो देखा जाए जो मेजर पॉइंट्स है मैंने आप लोगों को बता दिया। और हाँ, इसमें एक बेटर है कि भाई आपको ये भी जैक मिलता है एंड ओवरऑल जो है डिजाइन वगैरह जो है इसका ज्यादा बेटर है iQOO की तरफ से। ये थोड़ा सा ट्रेंडी डिजाइन देखने को मिलता है, स्पोर्टिव डिजाइन है आपको रियलमी का बट उसका जो ना थोड़ा सा सटल डिजाइन है, तो भाई अगर आपका डिजाइन प्रेफरेंस है तो वो एक अलग बात है। बट हाँ, अगेन मेजर डिफरेंस आपको रहेगा फ्लैट डिस्प्ले वर्सेस आपको कर्व डिस्प्ले एंड दूसरा बैटरी 500mAh की ज्यादा देखने को मिलेगा iQOO Z9 में। दूसरा कैमरा एक मेजर जंप है, डेफिनेटली कैमरा प्रेफरेंस है तो इसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, आप iQOO Z9S की तरफ जा सकता, उसका कैमरा क्वालिटी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक सजेशन वगैरह कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय द वे, आप कौन सा बेटर मानते हो दोनों के बीच में कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप एंड तक यहां तक बने हुए तो मान लो देखो, अगर आप एक क्रिएटर हो, ठीक है, आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, यू नो मल्टीमीडिया टेस्ट वगैरह करते हो एंड गेमिंग ये ज्यादा प्रेफरेंस है, तब भाई आप iQOO Z9 की तरफ जाओ, वो ज्यादा बेटर चॉइस मिल जाता है। एंड ट्राई करना 8GB के वजह जो है उसका हायर वेरिएंट 12GB, थोड़ा सा बजट बढ़ा लोगे तो भाई 12GB का देखने को मिल जाएगा, बट वहां पे जो ना आपका मल्टीमीडिया टास्क थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो आई होप मैंने बता दिया नॉर्मल यूजर हो तो भाई किस तरह से फोन लेना है, जो स्पेसिफिक है कैमरा के लिए आपको किस तरफ जाना है, तो भाई आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बता देना कमेंट सेक्शन में समझ आया। बाकी मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।